शिव किसका ध्यान करते हैं? शिव जी ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान की कई विधियां बताई हैं। अब आते हैं वो किसका ध्यान करते हैं। तो अगर आपको ध्यान के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि ध्यान करने में किसी का ध्यान नहीं किया जाता, इसमें बस साक्षी बन जाया जाता है, यानी बस अपने विचारों को देखा जाता है, आपके शरीर में क्या क्या हो रहा है, अपने दिमाग में क्या क्या चल रहा है, बस इस पर ध्यान दिया जाता है। इसे ऐसे जानिए कि जिस चीज पर आप ध्यान देने लगते हैं उसको धीरे धीरे अच्छे से जानने लगते हैं। जैसा कहा गया है कि संसार माया है, तो योगी या ध्यानी कुछ विशेष नहीं करते, बस सजग और पूरी तरह से होश में आ जाते हैं। एक एक भावना, एक एक कर्म, वो सब पूरे होशों हवास में देखते हैं और धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि वो ये संसार नहीं है। फिर एक दिन ये भी समझ आता है कि वो शरीर भी नहीं है। तो शिव किसी के ध्यान में नहीं है, वो अपने ध्यान में है। वो आत्मिक तल से होते हुए ब्रह्मांड की विश्व शक्ति से जुड़े हैं और इसीलिए भगवान हैं, क्योंकि ब्रह्मांड आपको आगे असीम ऊर्जा और असीम ज्ञान के दरवाजे खोल देता है। ये एक अलग विषय है। खैर, जिन्होंने भ्रम फैला रखा है कि शिव इनके ध्यान में हैं, उनके ध्यान में हैं, वो सिर्फ अफवाहों के शिकार हैं। वो किसी के ध्यान में नहीं है। किसी के ध्यान में रहना भक्ति है। शिव किसी के भक्त नहीं है, फिर भी वो सबसे बड़े भक्त हैं। शिव भगवान नहीं है, फिर भी देवों के देव महादेव हैं। इसे समझने के लिए आपको खुद एक बार ध्यान में उतरना होगा, ऐसे कोई आपको न समझा पाएगा। जाके पैर न फटे पवाई, सो का जाने पीर पराई।